हरिशंकर परसाई, व्यंग को विधा के रूप में स्थापित करने की लड़ाई। पुरुष रोता नहीं है, पर जब रोता है रोम रोम से रोता है, उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। पुरुष की रोने की आवाज़ कोई सुनता नहीं है, लेकिन सिसक उसकी भी निकलती है। ये उक्ति उन्होंने दी जिनका जीवन की सच्चाई किसी सिसक से कम नहीं थी, जिनकी वजह से आज हम व्यंग को एक विद्या के रूप में देखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नगीने की जिन्होंने अपने व्यंग से, जिसे लोग एक तंज के रूप में देखते थे और उसमें अपने ऊपर मौखिक हमले के रूप में देखते थे, उससे अपनी पहचान बनाई। आज के दिन यानी 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई इस दुनिया से एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ शायद कोई व्यंग या लेखन की आवाज़ तक नहीं पहुँच पाती है। तो आज हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि पर हम आपको उस अनजाने सफ़र पर ले चलते हैं जहाँ ज़िंदगी के सारे रंग मौजूद हैं, जहाँ अपने को खोने का गम है, जहाँ ज़िंदगी की जंग में अपना अस्तित्व बनाए रखने का साक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना और आप देख रहे हैं महाखबर। हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर होशंगाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, इनका और इनके जीवन का शुरुआत से 36 का आंकड़ा रहा है। जब परसाई लगभग 10-12 वर्ष के रहे होंगे, तब उनकी माँ का निधन हो गया। इन दुखों का पहाड़ जब वजन कम था, जो कुछ समय के बाद ही उनके पिता का भी निधन हो गया। अपने आत्मकथा गर्दिश के दिन में उन्होंने बचपन की सबसे तीखी याद, प्लेग की भयावहता का जिक्र किया है। 1936 या 37 में होगा, मैं शायद 8वीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग पड़ी थी। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग आरती गाते गाते पिताजी सिसकने लगते। माँ बिलख कर हम बच्चों को हृदय से चिपका लेती और हम भी रोने लगते। ऐसे भयाकारी त्रासदायक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गई। 5 बहन भाइयों में मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था। जिस गर्दिश की बात परसाई करते हैं, वह जीवन पर्यत बनी रही। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि गर्दिश का सिलसिला बदसूरत है। मैं निहायत बेचैन मन का संवेदनशील आदमी हूँ, मुझे चैन कभी नहीं मिला, इसीलिए गर्दिश नियति है। उन्होंने अपनी जीवनी में यह भी जिक्र किया है कि उनकी बाल्यावस्था काल के सहचालक के रूप में उनकी बुआ ने उन्हें निखारा। जिंदगी के कई मूल मंत्र उन्होंने अपनी बुआ को देखकर सीखा, जैसे निसंकोच किसी से भी उधार मांग लेना, जिंदगी के खूबसूरत पल को बेफिक्री से होकर जीना। बड़े से बड़े संकट में भी वह यही कहते थे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रोज़ की आम ज़रूरत को पूरा करने के संदर्भ में भी परसाई ने कभी किसी बंधी बंधाई परंपरा का निर्वाह नहीं किया। अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व और आशीर्वादी स्वभाव ने उन्हें किसी भी नौकरी में टिकने नहीं दिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्होंने जंगल विभाग में नौकरी शुरू की। जंगल में ही सरकारी टपरे पर रहते थे, ईंटों की चौकी बनाकर पटिए और चादर बिछाकर सोया करते थे, जहाँ चूहों की धमा चौकड़ी रात भर चलती रहती थी। परसाई अपने इन दिनों के विषय में कहते हैं, चूहों ने बड़ा उपकार किया, ऐसी आदत डाली कि आगे की जिंदगी में भी तरह तरह के चूहे मेरे नीचे उधम करते रहे, सांप तक सर्राते रहे, मगर मैं पटिए बिछाकर पटिए पर सोता हूँ। आर्थिक संकटों के बीच ही परसाई ने नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की और छिटपुट अध्यापन का कार्य शुरू किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद उन्होंने 1947 में विद्यालय की नौकरी छोड़ दी। कुछ वर्षों के बाद शाजापुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर नियुक्त होने का प्रस्ताव आया, पर उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया और जबलपुर में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन करना स्वीकार किया। यहीं रहकर उन्होंने साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन और संपादन किया। इसके अतिरिक्त दैनिक अखबार देशबंधु में पूछो परसाई से स्तंभ भी बराबर लिखा, जहां पर पाठकों के सवालों के माध्यम से विचार विमर्श किया जाता रहा। परसाई हिंदी की प्राय सभी प्रमुख पत्रिकाओं से स्तंभ लेखन के रूप में आजीवन जुड़े रहे। अपने पहले चरण में तो वसुधा 2 वर्ष तक लगातार प्रकाशित होती रही, जिसके संपादक की भूमिका परसाई ने निभाई। लेकिन आर्थिक तंगी एक भयावह आंधी है, जिसके आगे ज़्यादातर लोगों को शिकस्त झेलनी पड़ती है। इसी तंगी ने परसाई की पत्रिका के कदम को कुछ वर्षों के लिए रोका। आगे चलकर मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका के रूप में वसुधा को एक बार फिर पुनर्जीवित किया गया और संघ के अध्यक्ष होने के नाते पत्रिका के संपादन का कार्यभार भी परसाई को ही दिया गया। मेरे समकालीन
शीर्षक से परसाई ने भी अपने स्तंभ की शुरुआत की थी। हालांकि इस प्रकार के स्वतंत्र लेखन की एक सबसे बड़ी अनिश्चितता रही कि आय की अनियमितता के कारण परसाई सदैव आर्थिक संकट में उलझे रहे। अगर अखबार की आमदनी घट जाती या किसी अखबार में लंबी हड़ताल हो गई तो उनकी रचनाओं को मेहनत ताना भी उन्हें समय पर नहीं मिलता था, और ऐसे समय में मित्रों और परिचितों से उधार मांगने के दौर चला करते थे, पर चेहरे पर शिकन नहीं आती और जीने का जज्बा बरकरार रहता। इंसान यदि खुद की आलोचना करने लगे तो वह ज़्यादा अपने आप निखरता है, और शायद इसी बंधन के धागे के एक डोर हरिशंकर परसाई भी थे। परसाई के एक सफल व्यंगकार होने के पीछे की वजह संभवतः यह भी थी कि वह स्वयं पर भी व्यंग करने या अपनी खुद की आलोचना करने से डरते नहीं थे। अपनी जीवनी में उन्होंने बीसों बार स्वयं के ऊपर एक आलोचक की तरह आत्मलोचन किया है। उनकी मर्मभेदी लेखनी ने अपनी कमियों को भी बराबर उभारा है। मिसाल के तौर पर परसाई अपने बेटिकट यात्रा करने के संदर्भ में कहते हैं, एक विद्या मुझे और आ गई थी, बिना टिकट सफ़र करना जबलपुर से इटारसी, टिमरनी, खंडवा, इंदौर, देवास बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। पैसे नहीं थे, मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। तरकीबें बचने की बहुत आई थी, पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेज़ी में अपनी मुसीबत का बखान करता। अंग्रेजी के माध्यम से मुसीबत बाबुओं को प्रभावित कर देती और वे कहते, लेट्स हेल्प द पुअर बॉय। वे एक जगह लिखते हैं, गैर जिम्मेदारी इतनी कि बहन की शादी करने जा रहा हूँ, रेल में जेब कट गई मगर अगले स्टेशन पर पूरी साग खाकर मज़े में बैठा हूँ, कि चिंता नहीं कुछ हो ही जाएगा, और हो गया। परसाई ने स्वयं को अविवाहित रखते हुए उन्होंने अपने सभी बहन भाइयों की जिम्मेदारी का निवहन किया, पर उनके समय का जीवन भी यातना गर्भित व्यंग है। काम के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इस विषम जिंदगी को झेल जाने की वह शक्ति दी थी कि जीवन के प्रति एक वितराग का भाव उनके अंदर आ गया था। परसाई ने अपने एक निबंध पहला सफ़ेद बाल में लिखा है, अपना कोई पुत्र नहीं, होता तो मुश्किल में पड़ जाते, क्या देते, तो इतना रंक नहीं हूँ, विराट भविष्य तो है और उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। होने दो हमारे बाल सफ़ेद, हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। परसाई के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो उन्हें एक अनोखा व्यंगकार बनाती है वो है सच कह पाने का हौसला और उसके परिणामों को साहस से साथ सच कह पाने का हौसला और उसके परिणामों को साहस के साथ स्वीकार कर पाने का जज्बा। वे जिनकी कलाई खोलते हैं निर्भीकता के साथ खोलते हैं। सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सत्ता पक्ष के विपरीत जाकर सच कह पाने का साहस परसाई के निबंधों में ही दिखाई देता है। आखिरकार 10 अगस्त 1995 को हरिशंकर परसाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी उक्तियों, कविताओं, व्यंग के साथ विचरण भरे इस दुनिया में अपने प्रशंसक को छोड़ दिया। वैसे तो हरिशंकर परसाई की ऐसी कई अनकही बातें हैं जिसको बताने के लिए कहानियाँ समय की मांग करता है, जिससे हम एक बंधन तले बंधे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।